तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये ऊँट का बच्चा और ये ऊँट बन चुका है यहाँ पर। सकते हैं इसको कुछ ऐसे करना है, इसका ये बन गया छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा। आप देख सकते हैं ये ऊँट हन्नी, और तो कैसे बनाएंगे वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो हम बनाएंगे देसी जुगाड़ से और इन सिरकियों से, आप देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो। 1 2 3 कम ऑन। ये जरूरत पड़ेगी हमको इन सिरकियों की, तो हम लोग इसको फिर बहुत सारी कुछ इस तरीके से गाइस कुछ इस तरीके से। ये हमारी पहली सिरकी हो चुकी है, हमको बहुत सारी तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बहुत सारी ये सिरकियाँ निकाल ली है। आप सबसे पहले आपको ऐसी सिरकी ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है इसको हटा लेना कुछ इस तरीके से, हम लोग इस तरीके से इसको हटा लेते हैं। उसके को चीर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको चीर लेना है, आपको दिख पा रहा हो शायद, तो इतनी चीनी जो यहाँ। बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे तोड़ देना ऊपर को, फिर बाद में ऊपर से इसको नीचे से तोड़ देना कुछ इतनी लंबी, ठीक है, इस तरीके से। फिर बाद में आपको इसको इधर को मोड़ देना है। उसके बाद में ये जो आप जो पूँछ थी ये वाली, इसको भी यहाँ से कुछ इस तरीके से मोड़ देना, ठीक है। उसको मोड़ने के बाद कुछ ऐसे करना है, उसके बाद में इस वाले को ऊपर चढ़ाना है, फिर बाद में इसकी आपको चोंच बनानी है, ठीक है, मतलब मुंह कुछ इस तरीके से, और फिर बाद में इसको नीचे ऐसे करना है कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको बनी दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर इसको ऐसे मोड़ते हैं, फिर बाद में इसको कुछ ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। अब इसका हमें बच्चा अगर बनाना है, दूसरा बच्चा अगर छोटा सा बच्चा लिए जैसे, ऐसे कुछ फिर से बना लेना है फिर से, और फिर से बाद में आपको कुछ ऐसे करना है, ठीक है। फिर बाद में इसको यहाँ से मोड़ लेना है, और फिर बाद में इसको ऊपर ले जाना है, और फिर आप देख सकते हैं इसको कुछ ऐसे करना है। इसका ये बन गया छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा। आप देख सकते हैं ये पर हमारी हन्नी बनकर तैयार हो गई कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी हन्नी बन चुकी है, और अब हम बनाएंगे एक कैमल जो कि ऊँट, उसके बाद में बनाएंगे गुनगुना, उसके बाद में बनाएंगे गाइस जंजीर, बहुत ही तगड़ी मस्त सी। तो पहले बनाते हैं ऊँट को। उसको यहाँ पर मिली है सांप की केचुल, आप देख सकते हैं ये देखो गाइस, ये सांप की केचुल, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये सांप की केचुल यहाँ जंगल में गाइस, कितना हावी सांप होगा। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी तीन सिरकियाँ, तो और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग इस वाली को कुछ इस तरीके से इसमें बीच में ऐसे रख देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसको नज़दीक यहाँ पर, ठीक है, कि पूंछ और ऊँच का ठिल्ला बनाने के लिए ये हमें सिक्कियों की ज़रूरत है, ठीक है। बाद में इसको नीचे को फोल्ड करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर बाद में इस वाले को नीचे को फोल्ड करना है, ठीक है। फिर बाद में इसको जो है कि ऊपर आपको ऐसे ले जाना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे हाथ रखे रहना है ताकि ये बाहर ना जाए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको मैं स्पष्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप भी बना सकें। ये ऊँट का ठिल्ला जो ऊपर होता है, जिसमें कुबड़ जिसे कहते हैं, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें ऊँट 500 लीटर पानी भर लेता है, वही वाला ये बनना कुछ इस तरीके से। मतलब ये ऊँट का जो ठिल्ला आया होता जो ना ऊपर वाला, वो तो बन चुका है। तो अब आपको बनाना है इसका मुंह, तो उसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आपको तोड़ना है, फिर बाद में इसको यहाँ से ऐसे तोड़ देना है, ठीक है। फिर बाद में आपको करना क्या, सिंपली आप ये जो इधर वाली सिरकी है इसको इधर को मोड़ देना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो कुछ, और इसकी पूंछ को यहाँ से ऐसे कुछ तोड़ देना, ठीक है। अब फिर बाद में आपको क्या करना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में आपको फिर से इसको ऊपर को मोड़ना है, और फिर बाद में इसका मुँह बनाने के लिए कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं ऊँट का सेफ बन चुका है हल्का हल्का, इसके तीन टांगें दिख रही हैं आपको, चौथी टांग भी बनानी पड़ेगी, फिलहाल ये बन नहीं पाती है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बनाकर दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, और ऊँट का बच्चा भी बना दूँ अगर आप कहें तो कुछ इस तरीके से। ये रहा ऊँट का बच्चा गाइस। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये ऊँट का बच्चा और ये ऊँट बन चुका है यहाँ पर, हमारा ऊँट बनाया, और ये हमारी बनी है हन्नी और हन्नी का बच्चा। आप लोगों ने देखा कि एक ऊँट को कैसे सिरकी से बनाया जा सकता है और एक हन्नी को कैसे बनाया जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो के लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।